बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि मजेदार दिनबल्ले कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कप व्हाइट मास की दाल लेनी है, उसको 5 से 6 घंटे भिगो के रख देना है। तो अब हमने एक चापर लेना है, उस इस दाल को इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। तो अब हमने दाल को चापर में डाल लिया, तो अब हम इसको ग्राइंड सही से कर लेंगे। तब हम इसको ग्राइंड करने वाले हैं। हमने दाल को कितना ग्राइंड कर लिया, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच हरी मिर्चें और ये छोटी मिर्चें, और ये आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच नमक। अब हम इसको डाल लेंगे इसके अंदर। इन सारों को डालना है। हमने सारी चीजों को इसके अंदर डाल लिया, तो हम इसको इसके साथ मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम इसके साथ इसको मिक्स कर रहे हैं। हमने इसको मिक्स कर लिया जितना। अब हम इसका आधा चम्मच मीठा सोडा डालेंगे। तो अब हमने मीठा सोडा डाल लिया। अब हम दोबारा इसको मिक्स करेंगे। छोटी छोटी स्पून से इसको डालना है। तो जब ये नीचे से ब्राउन हो जाए, तो हमें उसको उल्टा कर देना है। तो हमने इसकी साइड चेंज करनी है जो ब्राउन हो गए हैं। तैयार हो गया। हम इसको बर्तन में निकाल के रख देंगे। तो ये देखे, मैंने एक साथ ये सारे निकाल लिए। तो इनको हमारे प्लेट में रखना है। तो देखें, जो रह गए थे मैंने उनको अभी इधर रख दिया। तो आपको मीडियम आग जला के बना लिया। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे, तो हमें इनको पानी के अंदर रख देना 5 मिनट के लिए, इस तरह 1 by 1। तो हमें सारे रखने के बाद इन सारों को इधर पानी के अंदर, अब हमने इनको पानी के अंदर रख दिया। तो हमें 5 मिनट के लिए इसके अंदर रख देना है। अब हमने 2 डब्बे लेना छोटे साइज के। तो हमें इनको एक योगर्ट, तो इन दोनों डब्बों को डाल देना इस बाउल के अंदर। तो हमें इनको मिक्स कर लेना है। तो अब हमने 1 चम्मच चीनी भी डाल लेनी है। तो अब हमने चीनी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब 5 मिनट हो गए हैं। तो हमें 1 by 1 इनको निचोड़ के, पानी निचोड़ के इनको रख देना है एक बर्तन में। इसको ज्यादा नहीं दुबाना कि ये टूट जाए।
योगर्ट बनाया था इसको इसके अंदर डाल लेंगे। डाल देना, आपको चम्मच से डालना है इसको, इस तरह करके डालना है चम्मच से। ये देखें जो सारा योगर्ट था हमने इसके अंदर डाल दिया। हमने इमली से मीठी चटनी बनाई है और चाट मसाला ले लिया। हमने इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेना और फिर हमें मीठी चटनी थोड़ी सारी डालनी है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा चख के दिखाऊंगा। माशाल्लाह बहुत मजे का है। और वीडियो देखने के लिए जज़ाकअल्लाह। और आप घर में भी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।